फिर मैं टेबल के नीचे छिप जाया करता था। माँ को इसके बारे में पता था, नाटक करती थी मुझे ढूंढने का। फिर अचानक झुक के मुझे देख लेती थी, मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। फिर मेरी माँ अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थी। दुबई जाने के बाद काफी दिनों तक खाना खाने वक्त यही बातें मुझे याद आती थी और मुझसे खाना खाया ही नहीं जाता था। ऐसा नहीं कहती दिक्रा, मैं हूं ना, खा लो। अकेला रहना सीख लिया है, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। आप जाइए प्लीज। वो मुझे भूला नहीं, पर फिर से रिश्ता जोड़ने से डरता है। बहुत सरस, बहुत सरस। भाभी, नाश्ते में तिल के लड्डू रखना, शरीर में गर्मी बनी रहेगी। मैं जाना नहीं चाहती थी, पर कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे वही सरस दिखाई दे रहा है जो कुछ बोल नहीं पाता था, और उसकी आंखें एक ही सवाल करती थी, कहां गई मेरी मां, क्यों चली गई। सरस्वती के जाने के बाद कितनी देर तक वो मेरी गोद में सर रख के रोता रहा, और रोते रोते ही सो गया। आप ना होती तो मोटी बहन नहीं संभल पाता वो। सरस्वती भाभी के जाने के बाद आप खुद को भूलकर उसकी देखभाल करती रही, इसीलिए तो वो आपको माड़ी कहने लगा था मोटी बहन। वो सब कुछ खत्म हो चुका है भाभी, फिर क्यों मैं गई उसके पास, क्यों। कल के हादसे के बाद उसने पहचाना आपको, इसीलिए आप गई मोटी बहन। ऐसे नाते कभी खत्म नहीं होते, समय कितना भी बदले मन का एक धागा जुड़ा रहता है। नाश्ता बनाओ जो आप लेके जाना। आप ठीक कह रही है भाभी, शायद इसीलिए आज उसने कुमान की नहीं सरस्वती की छाया दिखाई दी मुझे। वो कुछ भूला नहीं है, बस सब कुछ मन में दबाए बैठा था। Thank you.
अनजाने में बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें। बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। चाहे तो डांट लो, सजा दे दो। मुझे ना किसी को सजा देनी है और ना ही माफी। प्लीज मेरे पास एक बार देखो तो सही, प्लीज। क्यों? तू ही तो चाहती थी कि मैं तुम्हारी तरफ ना देखूं। मैं तो स्वार्थी हूं, रिश्तों का लिहाज नहीं है मुझे। हमारे बीच हम समेट ही नहीं पाए। हर बार हम एक नई चुभन देते एक दूसरे को। चोट लगी है तुम्हारी वजह से। बस मुझे देखना मत। मुझे दवाई लानी है। तो ये तक नहीं जानती कि घाव कितना गहरा है, तो दवा क्या लगाओगे? जाओ यहां से। इस तरह अकेले पड़े रहने से गुस्सा कम नहीं हो जाता। अपने दिल की बात किसी से तो कहो, अपनी माँ से, अपने बाबू से। जो भी तुम्हें समझता हो।
अपने दिल की बात किसी से तो कहो।